चलिए आज हम देखते हैं एमपीपीएससी 2018 के अंतर्गत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमपी के अंतर्गत निकलने वाली अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, व्यापम की चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम्स हो। और इसमें से कुछ क्वेश्चन एमपी के बाहर की वैकेंसी में भी पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका आंसर है 1957। 1997 में जो है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है शतरंज। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो विश्वनाथ आनंद को जो है कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है वॉलीबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है, यानी जो जो क्षेत्रफल होता है उसका कितना कितना लंबा मैराथन का रेस होता है? तो उसका जो मापक है वो 26 मील और 385 गज इसका सही आंसर है। हमने सारे ही क्वेश्चंस के आंसर वही टिक किए हैं जो उसके सही आंसर्स हैं। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न व पद्मश्री सभी प्रदान किए गए? तो पुल्लेला गोपीचंद जो है इनको ये सभी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं या प्राप्त इन्होंने किए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की भ्रंश घाटी नहीं है, भ्रंश घाटी नहीं है तो उसमें है चंबल घाटी जो है भ्रंश घाटी नहीं है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है? तो ये जो है महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी पर्वत शिखर जो है वो है धूपगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो इसमें कई ऑप्शंस थे और उसका सही आंसर है बेतवा। बेतवा नदी जो है वो चंबल में नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है, गुजरी महल किसने बनाया था? तो गुजरी महल मानसिंह ने बनवाया था और ये जो है कि उसी की याद में, जो गुजर की राजकुमारी थी उनसे शादी की थी और उनकी याद में ही मानसिंह ने गुजरी महल बनाया था। उसका नाम गुजर वंश के होने के कारण उसका नाम गुजरी महल दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है? तो इसका आंसर है झाबुआ, जो राजस्थान की सीमा का भी सीमावर्ती जिला है और गुजरात का भी। मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो तांबा यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है, उत्पादन होता है, यहाँ पर तांबे की खदानें हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो अलीराजपुर, ये आली हो गया है, अलीराजपुर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? तो ये सुजालपुर जो हमारा क्षेत्र भी है ये जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर
स्थित नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं निकलता। मध्य प्रदेश के 2017-18 के बजट में AMRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया? तो 700 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो वो है डिंडोरी, जहाँ पर प्रति पुरुष से 1000 ज़्यादा मात्रा में संख्या है, पर 1000 प्रति पुरुष में अधिक मात्रा पाई जाती है, तो अधिक पाया जाता है डिंडोरी का। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है 1995 में पारित किया गया। तेजस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है? तो वो है IFAD। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो 2010-11 में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। MP इनक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई? तो 2016 से जो है कि स्टार्टअप पॉलिसी जो है कि लागू की गई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो हैं उनके द्वारा ये पॉलिसी लागू की गई। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया? तो इंदौर में ये आयोजित किया गया। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया? तो 16 घंटे अटल ज्योति योजना के अंतर्गत बिजली देने का प्रावधान किया गया। कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है? तो वेब सर्वर को लिंक के माध्यम से जो भी सूचनाएं वेब डेटा के अंदर स्टोर होता है वो जो सर्वर कहलाता है, वो हमारा वेब सर्वर कहता होता है, जहाँ पर पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है? तो होम पेज किसी भी वेबसाइट का मेन पेज होता है और उसे होम पेज कहा जाता है। खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है, तो वो कहलाती है वेब पोर्टल या पोर्टल। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को कहा जाता है, उसे वायरस कहा जाता है। शब्द का आशय है एक ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण से के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकसित करता है। तो ऐसे हैकर क्रैकर होते हैं, इसमें दो चीज़ें, दो व्यक्ति काम करते हैं, एक होता है हैकर्स और इसमें इथिकल हैकर भी होते हैं, नॉन इथिकल भी होते हैं। चलो ये मैटर आगे का, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला है, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे किस प्रकार से जाना जाता है? तो डिनायल ऑफ सर्विसिंग अटैक के नाम से इसे जाना जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया? कुछ जगह हमारा जो कि लिखने में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो वहाँ पर हम उसे सही पढ़ करके आपको बता रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। धारा 2 के अंतर्गत ख और ग के अंतर्गत जो है कि इसका नियम पारित किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 निम्नलिखित में किस धारा में
अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है, ये बहिष्कार परिभाषित किया गया था और इसमें प्रतिबंधित है तो धारा 18 के अंतर्गत जो है कि ये प्रतिबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं। अधिनियम इस बार बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, उसमें ये तीसरा क्वेश्चन अधिनियम से संबंधित है, तो 23 के अंतर्गत जो है कि 23 धाराएं हैं उसके अंतर्गत 1989 के अंतर्गत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का अपबंध किया गया है, तो धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों के अपराध का अपबंधन किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, तो वो भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष है, इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है, तो 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, पद ग्रहण की तारीख से तो 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। भारतीय, यहाँ पे भारतीय गलत लिखा हुआ है, भारीताई लिखा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है, तो सिविल न्यायालय समझा जाता है। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकार के अतिक्रम की शिकायत के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा, इसका ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, इसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक उसकी क्षमता होती है, इससे ज़्यादा का डाटा या कैपेसिटी उसकी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव, इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई, तो इसका सही आंसर है संपतिया उड़के जो है कि निर्वाचित हुई थी। विशाल सिक्का के स्थान पर इंफोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो इंफोसिस के जो सीईओ बने सलील पारेख विशाल सिक्का के स्थान पर नियुक्त किए गए। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सदस्यों की संख्या कितनी है, ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो वो है 189। मध्य प्रदेश राज्य की कोष राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 2005 को पारित किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, तो 6 जनवरी 2018, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। कली का पुराण किस धर्म से संबंधित है, शाक्त धर्म से ये संबंधित है। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता है, तो शूद्र वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन दो राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला,
तो वो है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। तो ये इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चंस थे जो पीएससी 2018 में पूछे गए हैं। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस आपको आपके पोर्टल पर, स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।